दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सेंसोवाल कृषि सहकारी सभा ऊना। नमस्कार, मैं श्रीमती गुरमीत प्रधान धर्मशाला महंता खास आप सबसे अपील करती हूँ, कोरोना 19 का ये जो दौर चला है इसमें आप सभी लोग जो सरकार के दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, सैनिटाइज रहें, हाथ धोएं लगातार बार बार साबुन से, मास्क पहन कर रखें और अपने परिवार को भी साथ में सुरक्षित रखें। ये आपसे अपील है। और दूसरा, ऐनक भी अगर हो सके तो वो भी आंखों पर पहन के रखें। रेड जोन से हिमाचल पंजाब सीमा आशा देवी के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करने वाले हिमाचली अब बिना जांच घर नहीं जा पाएंगे। प्रशासन ने इन लोगों को सीमा पर ही क्वारंटीन करने के साथ इनके कोविड टेस्ट करने का खाका तैयार कर लिया है। प्रशासन की उन लोगों पर खास नजर रहेगी जो पंजाब के जालंधर, लुधियाना व पटियाला से यहां आएंगे, जबकि राजस्थान के रेड जोन से आने वाले लोगों पर भी बराबर नजर रखी जाएगी। इन लोगों के गगरेट के रेस्ट हाउस में कोविड 19 के टेस्ट लिए जाएंगे और गगरेट के 6 होटल में इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। एसडीएम विनय मोदी ने बताया कि सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि कोरोना वायरस को सीमा पर ही रोका जा सके। इसमें जो है अब जो पंजाब के जो रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें लुधियाना, जालंधर, पटियाला आता है, उसमें जो भी हिमाचल में एंटर करेंगे आशा देवी बैरियर से, उनको हम पहले यहाँ पे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस गगरेट लाएंगे। यहाँ पर हमारी टेस्टिंग टीम बैठेगी, यहाँ पर उनके सैंपल्स लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने कुछ होटल्स इंगेज किए हैं गगरेट में जो लोकल स्तर पर हैं, हमें कोई 90 रूम्स मिले हैं तो उनको रूम्स में लॉगिन किया जाएगा और जब तक टेस्ट नहीं आए, रिपोर्ट नहीं आएगी, वो वहीं होटल्स में रहेंगे और फिर रिपोर्ट आने के बाद उनको हम घर जाने की अनुमति दे देंगे और जो पॉजिटिव रहेंगे उनके खिलाफ उस तरह से मतलब कि प्रोसीजर जो SOPs हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जय बाबे दी। मैं कैप्टन संजय पराशर, मेरे गांव सवाणा, जिला कांगड़ा से हैं। इस समय मैं चिंतपुर्णी में मैंने VR मैरिटाइम का ऑफिस खोला है। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि भैया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, क्योंकि कोरोना वायरस को हराना है। और हिमाचली सी फेयरर्स एसोसिएशन जो कि हमने लॉकडाउन में जिसकी स्थापना करी है, कोई भी मर्चेंट नेवी का हिमाचली सीमेंट कहीं पर भी फंसा हो हमसे संपर्क करें, बिल्कुल आपके साथ हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9930467030। जय हिंद, जय हिमाचल। सहकारिता के जन्मदाता मियां हीरा सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए जिला ऊना की सेंसोवाल कृषि सहकारी सभा ने 100 साल के सफर में अनेकों विकास के शिखर को छुआ है। अब सोसाइटी ने कोरोना महामारी पर लगाम कसने के लिए जिला ऊना प्रशासन को SDM हरोली गौरव चौधरी के माध्यम से 11,000 की राशि दी है। इसी के साथ ही सेंसोवाल गौशाला में घास आदि के लिए भी 11,000 रूपए दिए हैं। सभा में सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रशासनिक नियमों की पालना करने के लिए सोसाइटी कार्य में जुटी है। उचित मूल्य की दुकानों में भी वार्ड नंबर के अनुसार 1x1 को दूरी बनाते हुए सामान दिया जा रहा है। सभा प्रधान शिव शशि कंवर के नेतृत्व में विकास के शिखर की ओर अग्रसर है। सभा को ऑस्ट्रेलिया देश में आम के व्यापार करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। नाबार्ड की ओर से सभा में सोलर पावर सिस्टम भी लगा है। सभा में कस्टमर के लिए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी बनाया गया है। SMS सुविधा के साथ ही सोसाइटी को CCTV कैमरे से लैस किया गया है। सभा के 100 साल पूरे होने पर सभा के तमाम सदस्यों ने कोरोना बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया है। सेंसोवाल कृषि सहकारी सभा विकास के साथ मानवता की मिसाल बनकर उभर कर सामने आई है।